दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आईपीएल 2023 के एक और शानदार मुकाबले में, जो कि मैच नंबर 22 है, जो कि खेला जाएगा दोस्तों मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता के बीच में। बात करते हैं दोनों ही टीमें कहां कहां इस समय दोस्तों लाई कर रहे हैं पॉइंट टेबल में। तो बता दूं दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अभी तक टोटल 3 T20 मुकाबले खेली है, जिसमें कि दोस्तों एक मुकाबला जीती है, वहीं 2 मुकाबले में भी दोस्तों हार का मुंह देखना पड़ा। जबकि बात करें दोस्तों कोलकाता के बारे में, तो 4 T20 मुकाबले खेली है जिसमें से 2 जीती है और 2 ही हारी है। तो दोस्तों ये रही दोनों ही टीमों के हाल चाल प्रीवियस मैचों के। वहीं बात करें दोस्तों, ये मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, यानी कि दोस्तों मुंबई के घरेलू मैदान पर यह मुकाबला खेला जाने वाला है, जहां पर मुंबई की फैन फॉलोइंग काफी कुछ रहने वाली है। बात करते हैं दोस्तों वेदर के बारे में, तो मौसम पूरी तरीके से क्लियर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। जबकि बात करें दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में, तो फर्स्ट बैटिंग एवरेज इस ग्राउंड पर 167 तथा सेकंड बैटिंग एवरेज 157 रन देखने को मिला। वहीं हाईएस्ट स्कोर 235 और लोएस्ट स्कोर 67 रन देखने को मिला, जबकि हाईएस्ट 198 और लोएस्ट डिफेंडेड स्कोर 118 रन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के कुछ की प्लेयर्स के बारे में। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा अब दोस्तों फॉर्म में आ चुके हैं, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं ऑलराउंडर टीम डेविड भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। जबकि बात करें तो जेसन बेंड्राफ शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं और बैटिंग भी दोस्तों थोड़े से बहुत रन बना रहे हैं। हालांकि दोस्तों पीयूष चावला स्पिनर गेंदबाज के रूप में कमाल प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कैमरन ग्रीन का अभी तक दोस्तों बेहतर प्रदर्शन आप सभी दोस्तों को देखने को नहीं मिला है। वहीं केकेआर की प्लेइंग 11 की दोस्तों बात करें, कुछ की प्लेयर्स के बारे में बात करें तो नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, एंड्रू रसल, सुनील नारायण के साथ में दोस्तों टीम सऊदी और रिंकू सिंह तथा शार्दुल ठाकुर का कमाल का प्रदर्शन आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकता है। जबकि दोस्तों बात करें तो एक और खिलाड़ी पर सभी की नजरें रहने वाली हैं, और वो है दोस्तों रहमत उर्रा गुरबाज, जो कि विकेट कीपर हैं। जबकि बॉलिंग में दोस्तों लौकी फर्गसन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है, 22वां T20 मुकाबला साल 2023 का आईपीएल 2023 का मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच में कौन सी टीम विन करेगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। साथ ही साथ दोस्तों वासा भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।